पिछले दिनों बेचारी तारा भी इल्जाम आया था कि वो हनीमून पे नहीं सुने है। एक, एक, एक लड़की चुप शादी के बाद आती है ना जिसकी अरेंज मैरिज होती है उसका हनीमून तो समझ में आता है एक जिसके लव मैरिज है जो ऑलरेडी टू इयर्स से दोनों एक दूसरे को जो है वो डेट साथ नहीं रहते थे ना नहीं सात आपने शायद एक दो जगहों पे नोट नहीं किया कि वो जो वो अक्सर उसके हॉस्पिटल में पाया जाता था वो उसके साथ पार्क में घूम रहे हैं और वो सात आठ दिन हैं जिसमें वो ये कह रही है कि मुझे सिर्फ ये दिन जो है वो एंजॉय कर लेने दो बाकी भी आपने देखा है कि घर में भी तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो दोनों जो है तो वो जाएंगे वो वो इशू नहीं है प्रॉब्लम ये था कि वो उस टाइम का इशू था जब आप तारा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको लगता है वो ठीक है जब आप चांद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको लगता है कि वो ठीक था